कोसी स्नातक क्षेत्र के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के कृषि भवन में और यहां पर 5 मतदान केंद्र बनाया गया है और 17 प्रत्याशियों के लिए मतदाता मतदान कर रहे हैं। वही बात करें तो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार COVID-19 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन किया जा रहा है और साथ ही साथ मतदाता काफ़ी संख्या में काफ़ी उत्साहित होकर अपने MLC के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं सुरक्षा की भी व्यापक व्यवस्था की गई है, सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और बात करें अगर वोटिंग की तो वोटिंग यहाँ पर जो कृषि भवन है यहाँ पर 15 मिनट लेट से विलम्ब से यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, SilkTV भागलपुर। ये कोरोना काल में ये पहला चुनाव है और इस पहले चुनाव में जिस तरह की व्यवस्था की गई है ये काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, यहाँ पे जो भी पदाधिकारी हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो भी लोग इलेक्शन के इसमें काम कर रहे हैं, वोटिंग मतदान करवा रहे हैं, पूरे इन्हें जो गाइडलाइंस है गाइडलाइंस का पूरा पालन कर रहे हैं। इसके लिए मैं यहाँ के चुनाव आयोग के टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के टाउन हॉल में जहाँ MLC चुनाव को लेकर 2 मतदान केंद्र बनाया गया और इस मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं। इस बार MLC चुनाव में 4 प्रमंडल के 1 लाख से ज़्यादा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने प्रत्याशी का, अपने MLC का चुनाव करेंगे। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और काफ़ी दिलचस्प यह MLC का जो चुनाव हो रहा है, काफ़ी त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन SilkTV भी आपसे अपील करती है कि आप अपने घरों से बाहर निकलें और MLC के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ सैयद इनामुद्दीन, SilkTV भागलपुर। अभी यहाँ MLC का इलेक्शन हो रहा है, उसको अभी वोट डाल के आए हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग बड़े आराम से आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं। क्या बदलाव दिखेगा? देखिए, अब जो है जो भी कैंडिडेट हों जो जीतें, अब आवाम से आपको जुड़ना पड़ेगा, उनके नीड को फुलफिल करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, तभी आप आगे लॉन्ग रन चल सकते हैं। नहीं तो सर्वाइव करना मुश्किल है क्योंकि हर लोग हैं जान रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन लोगों के लिए कर तरक्की के लिए कर रहा है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और आज मैं पहली बार विधान परिषद का वोट देने आई हूँ और बहुत अच्छा लगा अपने मत का अधिकार अपना दे के, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जो हमारे शहर का अच्छा से देखभाल करे उसी प्रत्याशी को हम चुनना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा शहर भी कुछ आगे अग्रसर होने के क्रम में है। बदलाव क्या दिख रहा है, वही घिसे पिटे लोग, वही सोच। जीतने के बाद वोट देना हमारा फर्ज है, वोट देना है देते हैं, लेकिन विकास हम लोग जो चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। लोगों की मंशा विकास करने की होती नहीं है, लोग जीतते हैं अपना विकास करने के लिए, अपने सगे संबंधी भाई भतीजा का विकास करने के लिए। तो यही मंशा पॉलिटिशियन का है। हम जनता बेचारे हर बार 5 साल के बाद वोट देना दायित्व है, वोट देते हैं और कोई विकास विकास की कहीं कुछ बात नहीं होती है। जो MLC के लिए उठे हैं और अच्छे कैंडिडेट को चुनना है, नाम तो नहीं बताना, जो अच्छे वर्कर होंगे उन्हीं को ही लिया जाएगा, चुना जाएगा। और हमारा बूथ 108 नंबर बूथ पे था, मैं दे के आया हूँ वोट और अच्छे प्रत्येक जी अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाकी नहीं कुछ, मैंने अपने एजुकेशन का एक महत्व समझ में आ रहा है कि मुझे वोट देने का अधिकार मिला। इस बार जो इलेक्शन हो रहा है MLC का, अगर वो अच्छे कैंडिडेट जाते हैं चुन के, मैं समझता हूँ कि ज़रूर बदलाव होगा। हम लोगों की मंशा है कि अच्छे कैंडिडेट को चुन के भेजें और इसीलिए हम लोगों ने शुरू से लेके आज के डेट में भी अपने प्रचार प्रसार चालू रखा ताकि अच्छा कैंडिडेट चुन के जाए। लोगों से अपील ये किया है कि भाई आप अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनिए। 7-17 लोग हैं, कौन पढ़े लिखे हैं, कौन डॉक्टर हैं, कौन इंजीनियर हैं, कौन प्रोफेसर हैं और कौन समाज से वो जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, उनको आपको आगे बढ़ाना है।